क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश 1। इसमें हमने लास्ट जो पढ़ा था वो था थर्ड लेसन, रीचिंग द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट। तो हमने इसे अभी आधा छोड़ दिया था। तो आपने इसमें पढ़ा था कि हमने माउंट एवरेस्ट के बारे में पढ़ा। माउंट एवरेस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट क्या है, माउंटेन है इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ऊंचाई में स्थित है। इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 29,029 फीट। और ये कहाँ स्थित है, इसकी जो लोकेशन है वो है हिमालयन रेंज, नेपाल तिब्बत बॉर्डर। और इसको इस पर बहुत समय से लोग मतलब जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो फेवरेबल नहीं है, इसलिए ही कई लोग इस पर नहीं जा पाए हैं। लेकिन 1953 में दो मैंस जो थे, दो लोग थे, उन्होंने इस पर चलने का प्लान किया, जिसमें बहुत सारे महीनों की इनकी स्टडी थी। वो दोनों थे एडमन हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे, और तेंजिंग नॉर्गे, जो कि नेपाल से थे। तो इन लोग, ये दो वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस पे क्या की थी, विजय हासिल की थी। और इनकी जो ये विजय हासिल हुई थी वो थी, इन्होंने इसमें क्लाइंबिंग स्टार्ट कर दी थी मई 1953 में। 1 महीने की प्रिपरेशन के बाद ये लोग इस पे चले, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये लोग अपना ऑक्सीजन सिलेंडर लेके गए। वहाँ के हिसाब से कपड़े इन्होंने तैयार किए, बूट्स इन्होंने रखे, जो कि वहाँ के स्नो वाला जो वेदर होता है उसमें पहनने के लिए। इन्होंने पूरी की पूरी तैयारी करके उस पे विजय हासिल की। और इनका इन्होंने जो वहाँ पे वो था, इन्होंने वहाँ पे 9 कैंप लगाए थे। 9th कैंप पे ये फिर थोड़ी देर रुके, फिर इन्होंने 6:30 बजे जो था चलना स्टार्ट किया, और 11:30 पे इन्होंने वहाँ पे क्या कर दी थी, विजय अपना जो था फ्लैग उन्होंने लहराया, और वो वहाँ पे विजय हासिल करने वाले पहले दो व्यक्ति हुए। तो अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, पेज नंबर 31। तो देख लीजिए, दे स्टार्टेड एट द समिट फॉर ओनली 15 मिनट्स बिकॉज ऑफ देयर लो एयर सप्लाई। ये लोग जब ऊपर पहुँचे, इन्होंने जब पीक पे विजय हासिल करी, तो ये वहाँ पे केवल कितने मिनट रुके, जहाँ पे इन्होंने विजय हासिल की थी उस जगह पर ये केवल 15 मिनट ही रुक पाए। क्यों? क्योंकि क्या थी, ऑक्सीजन की कमी थी, इस वजह से ये लोगों ने केवल वहाँ पे 15 मिनट्स ही रुके वहाँ पे। इन्होंने वहाँ पे दे टुक फोटोग्राफ्स एंड एट केक। इन्होंने वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ फोटोग्राफ्स खींची, और अपनी खुशी को मनाने के लिए इन्होंने वहाँ पे केक भी खाया। दे देन स्टार्टेड देयर जर्नी बैक डाउन द पीक। फिर उन्होंने अपनी जर्नी जो थी वो वापसी के लिए स्टार्ट की। द रिटर्न जर्नी टू वॉज इक्वली डेंजरस। जो नीचे उतरने के टाइम पे इनकी जर्नी थी, यात्रा थी, वो भी क्या थी, बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। न्यूज़ ऑफ द सक्सेसफुल क्लाइम क्विकली मेड इट अराउंड द वर्ल्ड। इनकी जो विजय, जब इन्होंने वहाँ पे अपनी सक्सेस हासिल कर ली, तो ये खबर एकदम से पूरे विश्व में फैल गई। द टू बिकेम हीरोज। ये दोनों जो क्या थे, हीरो बन गए। आफ्टर ईयर्स ऑफ ड्रीमिंग दे फाइनली हैड रीच द टॉप एट 11:30 AM ऑन मई 29, 1953। बहुत सालों का इनका जो सपना था उसे पूरा कर, उसे उस पर चलने के बाद इन्होंने क्या करी, विजय हासिल करी। और इनका टाइमिंग था 11:30, 11:30 बजे ये लोग वहाँ टॉप पे पहुँच गए। और वो कौन सा साल था, वो साल था 1953, और महीना था मई 29, 29 मई 1953 पे इन्होंने क्या करी, 11:30 बजे वहाँ पे विजय हासिल की। इट लुक अबाउट 7 वीक्स ऑफ क्लाइंबिंग। इसमें इनको क्या, इसमें इट टुक अबाउट 7 वीक्स ऑफ क्लाइंबिंग। ये इनको कितना टाइम लगा ऊपर पहुँचने के लिए, 7 वीक्स ऑफ क्लाइंबिंग, 7 हफ्तों तक की इनको क्या करनी पड़ी, यात्रा करनी पड़ी ऊपर चढ़ने के लिए। बोथ रोड बुक्स डिस्क्राइबिंग देयर जर्नी। जब उन्होंने ये यात्रा पूरी कर ली, उसके बाद जब ये नीचे आए, तो इन्होंने दोनों ने क्या लिखी, अपनी अपनी जो इनकी यात्रा थी उसकी पूरी एक जर्नी उन्होंने एक बुक पे लिखी। तेंजिंग ट्रेन पीपल इन माउंटेन क्लाइंबिंग। तेंजिंग क्या करते थे फिर, लोगों को जो लोग माउंटेन में जाना चाहते थे उनको क्या करते थे, वो ट्रेनिंग देते थे। एडमंड हिलेरी क्लाइम्ब हिमालयाज मैनी टाइम्स देयर आफ्टर। जो एडमंड हिलेरी थे वो इसके बाद उन्होंने कई बार क्या की, हिमालय की यात्रा की। उसके बाद जब उन्होंने एक बार विजय हासिल की, उसके बाद भी वो कई बार हिमालय पे चढ़े। टुडे विद मॉडर्न इक्विपमेंट क्लाइंबिंग इज मच ईजियर देन इट वॉज इन 1953। 1953 में जब ये लोग वहाँ माउंटेन पे चढ़े थे, माउंट एवरेस्ट पे, तो उस समय की यात्रा बहुत कठिन थी। लेकिन आजकल आजकल मॉडर्न ज़माना है, साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, तो आज के ज़माने में जाना वहाँ पे उतना कठिन नहीं है जितना उस समय उनकी यात्रा थी। 2000s हैव अटेम्प्टेड टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ओनली फ्यू हैव बीन लकी। बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बहुत सारे लोग इसमें चलने का प्लान करते हैं,
हज़ारों लोग इसमें चढ़ने की अटैम्प्ट करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यू हैव बीन लकी. लेकिन उसमें से सभी लकी नहीं होते, कुछ ही लोग उसमें क्या होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, जो उसको कर लेते हैं. मैनी लाइव्स हैव बीन लॉस्ट वाइल ट्राइंग टू क्लाइंब द पीक. बहुत सारी ऐसे में क्या होती हैं, जाने भी जाती हैं. पीक पे चढ़ते हुए बहुत खतरनाक यात्रा होती है, इसलिए क्या होता है, बहुत टफ होता है, इसलिए कई लोगों की जाने भी इसमें जाती हैं. डू यू नो दैट वंस अ वेरी क्लीन प्लेस डू यू नो दैट वंस अ वेरी क्लीन प्लेस माउंट एवरेस्ट हैज़ स्टार्टेड बिकम डर्टी. अब आप जानते हैं कि हिमालय सबसे ऊपर चोटी है, सब विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, तो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा क्लीन क्लीनलीनेस होगी, क्लीन होगा. लेकिन अब जैसे जैसे लोग वहाँ पे जाने लग गए हैं, तो लोग क्या करने लग गए हैं, लोग वहाँ पे गंदगी करने लग गए हैं. कोई अपने खाने का सामान छोड़ देता है, कोई बॉटल्स छोड़ देता है. आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये कुछ बॉटल्स गिरी हुई हैं जिनमें कोका कोला लिखा है. अपने साथ खाने पीने का सामान ले जाते हैं, बैग्स कुछ ले जाते हैं वो छोड़ देते हैं, पैकेट्स छोड़ देते हैं. दिस इज़ ड्यू टू क्लाइंबर्स लीविंग एम्प्टी कैंस एंड बॉटल्स बिहाइंड. तो इसका मतलब क्या है, जो लोग वहाँ जाते हैं, क्लाइंबर्स जो होते हैं, अपने साथ खाने पीने का सामान ले जाते हैं, पानी पीते हैं, और कैंस को वैसे ही छोड़ देते हैं, बॉटल्स वैसे ही छोड़ देते हैं. वी मस्ट कीप द वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन क्लीन. लेकिन अगर हम उसमें हम अगर क्लाइंबर हैं, हम वहाँ जाना चाह रहे हैं, हम वहाँ जाते हैं, लेकिन हम वहाँ जाएं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना चाहिए, उसको क्लीन रहने देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे क्या है, विश्व की सबसे वो है, प्रसिद्ध चोटी है, सबसे ऊंचाई वाली चोटी है, क्लीन है. तो जिस तरीके से हमें नेचर ने वो दिया है, उसी तरीके से हमें उसे रखना चाहिए. तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो आप देख लीजिए, इसके क्वेश्चन 8 क्वेश्चन है इसमें, तो आज हम इसमें 4 क्वेश्चन करेंगे. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट माउंट एवरेस्ट. तो आप बता सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बारे में स्पेशल क्या है. और दूसरा है, व्हाट आर सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस बाय क्लाइंबर्स क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट. वो डिफ़िकल्टीज बतानी है जो कि क्लाइंबर जो होते हैं, जो पर्वत में जो चढ़ते हैं, वो क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं. थर्ड है, हुआ शेरपास, शेरपास कौन लोग होते हैं. फोर्थ है, वाई डिड हिलेरी एंड तेंजिंग कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाइल क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट. तो ये 4 क्वेश्चन हम करेंगे. तो अब ये क्वेश्चंस जो हैं हम कॉपी में देखेंगे. देख लीजिए, सबसे पहले डेट डाल दीजिएगा, लेसन का नाम, रीचिंग द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट. और हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ए पार्ट, जो कि है आंसर दीज क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट माउंट एवरेस्ट. तो माउंट एवरेस्ट के बारे में जो स्पेशल है, जो विशेष बात है, वो हमने लिखनी है. तो इसका आंसर है, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड. तो माउंट एवरेस्ट की विशेषता क्या है, कि माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंटेन है. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय क्लाइंबर्स क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट. वो डिफ़िकल्टीज बतानी है हमने, जो भी कठिनाइयाँ एक क्लाइंबर को माउंट एवरेस्ट में चढ़ते हुए होती हैं, तो उनके हमें लिखना है. तो देख लीजिए, देयर आर सो मैनी डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय क्लाइंबर्स. ऐसी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज हैं जो क्लाइंबर्स फेस करते हैं क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट. तो उनके अब हम लिखेंगे, सच एज फ्रीजिंग वेदर. फ्रीजिंग मतलब होता है कैसा वेदर है वहाँ का, बहुत ही ज़्यादा ठंडा, कड़ाके की सर्दी होती है वहाँ पे. स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं. अर्थ एटमोसफियर इज़ वेरी थिन. जो हमारे अर्थ का जो एटमोसफियर है, वो ऊपर चलते हुए क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है. विथ हार्डली एनी एयर टू ब्रीथ एट द टॉप ऑफ द पीक. जब हम ऊपर चोटी पे पहुंच जाते हैं, पीक पे पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे जो सांस लेने के लिए एयर होती है, ऑक्सीजन होती है, उसकी क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है. टर्न द पेज, हु आर शेरपास. तो शेरपास कौन लोग होते हैं, हमने उसमें भी पढ़ा था लेसन में. तो शेरपास कौन लोग होते हैं, शेरपास एक नॉमेडिक पीपल होते हैं जो घूमते रहते हैं, और ये माउंट एवरेस्ट के नज़दीक रहते हैं. इनका काम होता है क्लाइंबर्स के सामान, उनका कुछ सप्लाइज को माउंट एवरेस्ट तक पहुंचाने का. तो इसका आंसर है, शेरपास आर नॉमेडिक पीपल फुल स्टॉप.
दे आर हायर्ड बाई टीम्स टू कैरी देयर सप्लाइज टू द माउंटेन। इन लोगों को हायर किया जाता है उन टीम्स के द्वारा जो माउंटेन पे चढ़ाई चढ़ने के लिए आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, वाई डिड हिलेरी एंड तेंजिंग कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स वाइल क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट। हिलेरी और तेंजिंग जो थे वो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ लेके क्यों गए जब वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई चढ़ने गए? तो क्यों लेके गए थे? क्योंकि टॉप एट द टॉप ऑफ द पीक वहाँ पे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी। तो आंसर है दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू हेल्प देम टू ब्रीथ। वो लोग अपने साथ इसलिए लेके गए थे ताकि उनको सांस लेने में उससे क्या हो जाए, हेल्प मिले, उनको मदद हो जाए। तो ये आपके क्वेश्चन है, इसमें फोर क्वेश्चंस आपने इनको करना है और लर्न भी करना है।